जूतों में मिट्टी घुस गई, यहाँ पे मिट्टी स्लिपरी है। पैर पकड़ पैर पकड़। मेरे हाथ की बैंड बच चुकी है, मेरे पैंट की बैंड बच चुकी है, खत्म हो गया सब कुछ। यहाँ आप देख रहे हो गूगल मैप्स में जयपुर का सैटेलाइट व्यू। क्या आप जानते हैं ये मैप मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आज हम लोग जाएंगे इस मैप के हिसाब से जयपुर की सबसे ग्रीनेस्ट प्लेस, और वो प्लेस है जयपुर का अपना स्मृति वन। ये जगह इतनी ज़्यादा ग्रीन है कि यहाँ पे कई बार लेपर्ड भी आ जाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे न्यूज़ आर्टिकल्स देख सकते हो। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है लेपर्ड्स की वजह से स्मृति वन को 2 महीने के लिए बंद करा जा चुका है ताकि उसके विजिटर्स को कोई हार्म नहीं पहुँचे। तो चलिए स्मृति वन का टूर स्टार्ट करें। हेलो, तो गाइस मैं हूँ अभी जयपुर की सबसे ज़्यादा ग्रीन जगह में। स्वागत है आपका स्मृति वन में। तो चलो अभी हम चलते हैं अंदर। आप देख सकते हैं कि कितने पेड़ हैं। आप लेफ्ट साइड में बहुत सारे पेड़ देख सकते हो, और ये तो सिर्फ पार्किंग है, अंदर तो पूरा वन है। पार्किंग में अगर इतने पेड़ हैं तो अंदर कितने ज़्यादा पेड़ होंगे। तो यहाँ पे लोग आते हैं वॉकिंग करने सुबह सुबह, अभी सुबह का टाइम ही चल रहा है। तो यहाँ पे ये मोर है, हाय, तो कितना बड़ा मोर है। तो यहाँ पे थोड़े बोर्ड्स पे ना हो तो उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक है धन्वंतरी वन, और एक कार पार्किंग है, लगता है यहाँ पे म्यूजियम भी है। गाइस मोर आवाज़ भी मचाता है। यहाँ पे पूरा मैप है, कितना बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे पूरा लाइक डिटेल्ड बना हुआ है। गाइस यहाँ पे एकर्स में लिखा हुआ है। गाइस यहाँ पे टोटल एरिया 119 एकर्स का है। यहाँ पे एक बैरियर भी लगा है। तो ये एक पूरा फॉरेस्ट जोन जैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राह्मण पथ, जिसका मतलब है वॉकवे। तो यहाँ से वॉकवे है। तो यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम तो बहुत शानदार है। ये है इको एनवायरमेंटल म्यूज़ियम। पेड़ बहुत हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ बने हुए हैं, मतलब बने हुए नहीं, प्लांटेड है। बस यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत मतलब प्यारा है। यहाँ पे ये जयपुर में सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लेस है। इससे ज़्यादा अगर आप गूगल मैप पे देखो तो यहाँ पे तो पेड़ ही पेड़, ग्रीन एरिया दिखेगा, मतलब मोस्टली ग्रीन एरिया दिखेगा। ये कौन सा पेड़ है? गाइस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेड़ है। यहाँ पे बर्ड्स की फ़ोटो बनी हुई है। यहाँ पे मोरों की आवाज़ आती है। गाइस साफ़ है, कचरा नहीं है। गाइस यहाँ पे फूल देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे है बटरफ्लाई वैली, बटरफ्लाई वैली बनी हुई है यहाँ पे। बस पूरा फॉरेस्ट है। गाइस काफ़ी घना जंगल है, तो जंगल ये पूरा जंगल, जयपुर में जंगल है ये। गाइस यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, पूरा आगे वाला भी फॉरेस्ट है, पेड़ बने हुए हैं, और यहाँ पे मतलब जंगली जानवर भी है, सांप है और बहुत सारे जानवर हैं। गाइस यहाँ पे ब्रिक के पिलर बने हुए हैं, ये एक टाइप का ब्रिज है।
गाइस यहाँ पे सनफ्लावर है और येलो फ्लावर्स हैं। यहाँ पे पेड़ इतने हैं, मोरों की आवाज़ आ रही है एकदम, मतलब हम कश्मीर गए थे एकदम वैसे जगह है, ये जयपुर के कश्मीर जैसा है। गाइस यहाँ पे पर्पल फूल भी है, ये पूरा एक वन है, मतलब जंगल होता है वन का मतलब। यहाँ पे मैप है पूरा, इतना बड़ा मैप है। यहाँ पे बैम्बू है, ये बैम्बू है रियल बैम्बू। यहाँ पे देखो एक ही फूल में कितने फूल हैं। तो गाइस यहाँ पे पेट्स स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे किंगफिशर भी है, वसुधरा वन, अलग अलग टाइप के वन है बड़े बड़े एरिया में। तो यहाँ पे पेड़ काफ़ी हैं, तो आपने देख ही लिया होगा इतना अच्छा फॉरेस्ट है। तो मैं कैमरा थोड़ी देर अपनी तरफ कर रखा हूँ, मैं हाथ थक चुका है, कैमरा बहुत भारी है। तो यहाँ पे तो मस्त ग्रीनरी है, एकदम गॉड लेवल ग्रीनरी। तो यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं फिर हम, एक तरह की स्पेशल बटरफ्लाई है। हम ट्रैक पे तो नहीं चल रहे, हम यहाँ पे दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी हम लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो अभी हम हमारे ओरिजिनल ट्रैक पे नहीं हैं, ये कुछ अलग ही बना रखा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ट्रैक पे नहीं है, हम लाइक अलग ही जगह जा रहे हैं, ये स्पेशल जगह हो सकती है। नॉर्मल ट्रैक तो वहीं छूट गया। ये तो फूल कितने हैं, तो वहाँ पे मोर है, वहाँ पे देखो मोर है वहाँ पे। गया भाग के हमसे डर के। तो ये जो ट्रैक है ना, जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मतलब कहीं अलग ही जगह पे बना हुआ है, लाइक फुल ट्रैकिंग वाला है। आराम से, आराम से। यहाँ पे एक ट्रैकिंग जैसी जगह है, मज़ा आ गया। यहाँ से जाना तो हार्ड है, इजी तो नहीं है। देखो मस्त जगह है, कस्टम मेड ट्रैक है, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो जयपुर का मतलब ये तो एक टाइप का जयपुर का जंगल है, मस्त है। यहाँ पे मिट्टी स्लिपरी है, जूतों में मिट्टी घुस गई। मैं भी ऐसे आई थी। मजा आ गया, ये तो पूरा ट्रैकिंग वाला एरिया है, मस्त है। यहाँ पे फिट रहना बहुत जरूरी है। ये नदी है फिर नाला है, पता नहीं नाला होगा, ये नाला ही है। यहाँ पे नाला ही होगा, ये तो नदी तो नहीं लग रही। काफी डेंस फॉरेस्ट है यार, कश्मीर के याद आ गई मेरे को, तो मज़ा आ रहा है। अब मेरे को थोड़ी मुश्किल ट्रैकिंग करनी है, तो मेरे को थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी वरना मैं गिरने वाला हूँ। ये देखो नाला का पानी, देखो ट्रैकिंग है। अब मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा वरना मैं गिर जाऊँगा। चल रुक जाओ, देखते हैं कि मैं जिंदा रह पाता हूँ क्या कैमरे के साथ।
मेरे को तो मजा आ गया। देखो यार कितना सही है, आप लोग भी यहाँ पे आना चाहो अगर आप जयपुर में रहते हो तो यहाँ पे तो आना। गाइस तो मैं तो बहुत देर से घूम रहा हूँ, बहुत देर घूम लिया, मैं एक ब्रिज पे हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जो अंकल है वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ना भाई जी पूरे दलदल है, उसका पानी रिफाइन होता है और वहाँ पे यूज़ होता है। देखो कितना ज़्यादा ग्रीन है, आप बता नहीं सकते कि मैं जयपुर में हूँ, ये लग ही नहीं रहा जयपुर है। मैं एक काफ़ी ख़तरनाक ट्रिप पे आ चुका हूँ, यहाँ से हमें सीधा जाके पूरा उस पहाड़ी के उधर से जाना है, मज़ा तो बहुत आएगा। आप यहाँ पे हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ते हुए देख सकते हो, आपको देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो काले काले सी जाली लगी हुई थी वो लाइक हमें पकड़ने में यूज़ कर सकते हैं हम उसको, और साइड में थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा लैंडस्लाइड नहीं होने के लिए कुछ लगा रखा है, अच्छा है। वहाँ पे आप पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हो, यहाँ पे मिट्टी स्लिपरी होने की वजह से हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, मेरा तो हाथ छिल चुका है। पैर पकड़ आगे चल आगे चल, इसको पकड़ लेना है यहाँ से, इसको पकड़ना, ये बनी इसलिए रहे हैं मॉली वीडियो के चक्कर में, मेरे को तो कैमरा वीडियो दिखाई नहीं पाया था अच्छे से ट्रैकिंग। मैं यहाँ पे टॉप पे पहुँच रहा हूँ, मेरे को पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी मेरे सामने एक पेड़ है, उसको मैं सोच रहा हूँ उसको पकड़ के चढ़ूँगा, पर मेरे सामने मेरे को एक गड्ढा भी दिख रहा है, मेरे को लगता नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, बट मेरे को लग रहा है मैं कर सकता हूँ अंदर से, चलो देखते हैं। तो एंड में मेरे को हाथ पकड़ के ही ऊपर आना पड़ा क्योंकि जो वो गड्ढा था वो बहुत गहरा था। तो आपने तो हालत देख ही ली होगी, मेरे हाथ की बैंड बच चुकी है, मेरे पैंट की बैंड बच चुकी है, ख़त्म हो गया सब कुछ। गाइड ने बोला भाई भाई तो डर लग रहा, मैं तो ख़त्म हो चुका। गाइड ने बोला जैगुआर है ये, तो यहाँ पे जैगुआर वैगुआर भी है, हम पहाड़ी के ऊपर हैं, मस्त मतलब अजीब सी ट्रैकिंग थी, मैं तो थक गया, मेरे तो पसीने छूट गए। हाथ में कुछ चुभ गया, मज़ा ही आ गया, मेरा तो तेल निकल चुका, मैं थक गया हूँ बुरी तरह, वो जो ट्रैकिंग थी उसमें मेरे हाथ पे कीले चुभ चुकी है, कीले जैसे ही कुछ था। गाइस यहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है यार, यहाँ पे अगर आप रोज़ सुबह आते हो ना तो आप तो बॉडी बिल्डर आराम से बन जाओगे, इतना पसीना निकलता है, आप एक पानी का ग्लास भर लोगे उसमें। तो अभी यहाँ पे तो मेरे को बहुत मज़ा आया, अगर आप लोग आना चाहो तो ये जेलन मार्ग के आसपास ही है, शिक्षा संकुल के सामने ही है ये, आपको लगेगा ही नहीं जयपुर है, अभी वो रहा मोर हाय, तो आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं आपसे मिलूँगा बाद में, मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया और ये एक अच्छा सा छोटा सा ब्लॉग भी बन चुका है, चलो बाय।